अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास ए मजमून इस्लामियात बाब पंजम हिदायत के सरचश्मे सबक का नाम हजरत सलेमान फारसी रजी अल्लाह तआला को डिस्कस करेंगे। अहम नुकात इसमें हजरत सलेमान रजी अल्लाह तआला का तारुफ, उनका खानदानी पस मंजर, सच्चाई की तलाश और उनका कबूल इस्लाम, इन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। ओपन योर बुक, बुक पेज 81, सबक का नाम हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हा। हजरत सलमान फारसी कौन थे? हजरत सलमान फारसी, जिनका नाम रुजेबा अस्फानी था, वो जी नामी एक शिराज में पैदा हुए और 8 सफर 35 हिजरी को इराक के शहर मदाइन में वफात पा गए। हजरत सलमान रजी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद ने आपका नाम सलेमान रखा। सलेमान के वालिद बरखशान काहन जरतश्ती आलम थे। इनका काम आग में लकड़ी डालना था। हजरत सलेमान रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जरतश्ती घराने में पैदा होने के बावजूद कभी आग के सामने ना झुके बल्कि वहदहू ला शरीक खुदा का अकीदा रखते थे। बचपन में सलेमान की माँ की हजरत सलेमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वालदा का इंतकाल हो गया तो इसके बाद आपकी फुफो ने आपकी परवरिश की। जब हजरत सलेमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ये मालूम हो गया कि इन लोगों का इरादा है कि मुझे 6 माह कैद कर दे और इसके बाद भी अपने आबाओ अजदाद के आइन पर ईमान ना लाऊं तो फांसी दे दें, लिहाजा अपनी फुफो की मदद से फरारी हासिल कर गए और जंगल में बैयाबा में चले गए। वहां इन्हें शाम जाने वाले एक काफला मिला तो आपने इन मुसाफिरों के साथ शाम को रवाना हुए। आखिरकार हजरत सलेमान रजी अल्लाह तआला अपनी हिजरत के आवाज में ही अपने गुमशुदा को पा लिया और एक यहूदी के गुलाम बनकर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाकर मुसलमान हुए। सबक में क्या है वो डिस्कस करते हैं। हजरत सलेमान फारसी रजी अल्लाह तआला दरबारे नबूवत के ऐसे चमकदार सितारे हैं जिनकी रोशनी मंजिली वफा के मुसाफिरों के दिलों में उम्मीदों हिदायत के चिराग रोशन रखेगी। इनकी जिंदगी तलाश हक की एक मुसलसल दास्तां और इनकी जुस्तजुए हकीकत की अंतिम कोशिश रोशनी की तरफ एक लाजवाब सफर है। जिस तरह पहले मैंने बताया कि एक जिंदगी के हर स्टेप पर उनकी, जब उन्होंने बुतों की पूजा से इनकार कर दिया तो घर वालों की सख्ती और खानदान की सख्ती इस कदर बढ़ गई कि उसे फांसी पर लटकाने का फैसला किया गया। तो उस वक्त से राह हक की तलाश में निकले, अपनी मंजिल तक जा पहुंचे और ऐसे लोगों के लिए एक उम्दा मिसाल कायम की। सलेमान बिन इस्लाम, सलेमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हा खानदानी एतबार से कोई मामूली इंसान ना थे। इनके वालिद अपने इलाके के एक रईस थे लेकिन सलेमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने खानदानी मर्तबे पर कभी फख्र ना किया। कोई आपके आबाओ अजदाद और खानदान के मुतल्लिक सवाल करता है तो हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला क्या खूब जवाब देते हैं, मेरी शनाख्त बस इस्लाम है और मैं सिर्फ इस्लाम का फर्जंद हूँ, मैं सिर्फ इस्लाम का बेटा हूँ नहीं बल्कि मैं तो नस्ल से इस्लाम का बेटा हूँ। यानी अपने खानदान पर उन्हें फख्र ना था, बस क्या कहते हैं, मैं तो इस्लाम ही का बेटा हूँ, मेरी शनाख्त बस इस्लाम है और मैं इस्लाम का फर्जंद हूँ। सलमान इब्ने सलाम, इस्लाम इब्ने इस्लाम इब्ने इस्लाम, 3 टाइम इब्ने इस्लाम को रिपीट करते हुए यानी नस्ल दर नस्ल मैं तो इस्लाम का बेटा हूँ। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने मुसलमान के मुतल्लिक कहा था, इस्लाम तेरा देश है और तू मुस्तफी है। और सैयदना सलेमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हा इनकी मुंह बोलती तस्वीर है। और फिर खुश नसीबी देखिए इस वतनों नस्ल से बेनियाज परदेसी की, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुकार उठते हैं, सलीमानु मिन्ना अहलल बैती, सलमान मेरे घर का एक फर्द है, सलमान मेरे घर वालों में से है, सलीमान मेरा है,
कौन है जो खुश नसीबी में इस गरीबत दियार यानी परदेसी का मुकाबला कर सके। गरीबत दियार गुर्बत के मारे एक रईस खानदान को इस्लाम की खातिर छोड़कर, इस्लाम की खातिर छोड़कर क्या है, इस्लाम तक पहुंचने के लिए जितनी तकलीफ जितनी मुश्किलात का उन्हें सामना करना पड़ा, उस पर क्या खुशखबरी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें देते हैं कि सलमान मेरे घर का बेफर्द है, सलेमान मेरे घर वालों में से है, सलेमान मेरा है। कौन है जो खुश नसीबी में इस गरीब दयार यानी परदेसी का मुकाबला कर सके। कौन ऐसा हिम्मत रखने वाला है जो इसका मुकाबला कर सके। खानदानी पसे मंजर क्या था। हजरत सलेमान फारसी रजी अल्लाह तआला ने मजूसियों के घर में आँख खोली। मजूसी ने आपकी परतिश करने वाले आतिश परस्ती में खूब मेहनत और गौर फिक्र करते रहते, हत्ता कि खास इस आतिशकदे के निगरान और इंचार्ज मुकर्रर हुए जिसमें कभी आग ना बुझती थी। जैसे मैंने आपको बताया कि इनके वालिद का काम क्या था, आग में लकड़ियां जलाना था, तो इन्हें भी उसी ओहदे पर मुकर्रर किया गया। आतिशकदे के निगरान और इंचार्ज मुकर्रर हुए जिसमें कभी आग ना बुझती थी और इस आग की पूजा की जाती थी। इनके वालिद की बहुत बड़ी जागीर थी जिसमें बेहिसाब इजनास की पैदावार होती थी। सच्चाई की तलाश और आजमाइश। एक मरतबा उनके वालिद को किसी दूसरे गांव में जाना पड़ा और वो जमीनों की देखभाल सलेमान फारसी रजी अल्लाह तआला के सुपुर्द कर गया, हवाले कर गया। रास्ते में ईसाइयों का एक गिरजा पड़ता था, ईसाइयों को जो इबादत का गिरजा पड़ता था जहां से इनकी दुआ और इबादत की आवाजें आ रही थी। सलेमान फारसी रजी अल्लाह तआला अंदर चले गए, दिन भर उनकी इबादत देखते रहे और उस पर गौर करते रहे, इसका अपनी इबादत से मवाजना किया। वफा ये तरीका तो हमारे दीन से बेहतर है। उनका दिन भर तरीका देखते रहे तो क्या कहते हैं कि ये तो हमारे दीन से भी बेहतर है। हजरत सलेमान फारसी रजी अल्लाह तआला रात को घर लौटे तो वालिद भी पहुंच चुके थे। उन्होंने पूछा तो सलेमान फारसी रजी अल्लाह तआला ने सारा वाकया बयान कर दिया। वालिद ने कहा, बेटे इस दीन में कोई भलाई नहीं, तेरा दीन इससे बेहतर है। सलेमान फारसी रजी अल्लाह तआला ने कहा, नहीं, इनका दीन हमारे दीन से बेहतर है। बाप को अंदेशा हुआ, डर या खौफ हुआ कि कहीं बेटा अपने दीन से मुनहरिफ ना हो जाए, मुमकिन ना बन जाए। इसने सलेमान फारसी रजी अल्लाह तआला को घर में कैद कर दिया। शाम का सफर। हजरत सलेमान फारसी रजी अल्लाह तआला को ईसाइयों से मालूम हो चुका था कि उनका दीनी मरकज मुल्क शाम में है। उन्होंने ईसाइयों को पैगाम भिजवाया कि अगर तुम्हारे पास शाम जाने वाला कोई काफला आए तो मुझे इत्तला करा देना। थोड़े ही दिन में शाम जाने वाला एक काफला आ गया। उन्होंने हजरत सलेमान फारसी रजी अल्लाह तआला को खबर दी। हजरत सलेमान रजी अल्लाह तआला छुपते छुपाते उनके साथ शाम पहुंचे। कहते हैं हदीस पाक भी है कि वालदैन की फरमा बरदारी करो यहाँ तक कि वो तुम्हें दीन के रास्ते से गलत रास्ते पर ना ले जाए। वालदैन की यहाँ उनकी ना फरमानी थी, लेकिन किस वजह से, हक की तलाश की वजह से। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला छुपते छुपाते उनके साथ शाम जा पहुंचे। वहां जाकर पूछा, इस दीन में सबसे बड़ा आदमी कौन है, कौन होता है? जवाब मिला कि कलीसा, गिरजा का निगरान, आला असकफ या पुष्प होता है। हजरत सलमान रजी अल्लाह तआला इनके पास गए और कहा कि मुझे निसरानियत से दिलचस्पी है, मैं चाहता हूँ कि आपकी खिदमत में रहकर इल्म हासिल करूँ और आपके साथ दुआ में शमूलियत करूँ। उसने इजाजत दे दी और हजरत सलेमान फारसी रजी अल्लाह तआला इनकी खिदमत में रहने लगे। लेकिन इन्हें जल्द ही मालूम हो गया कि वो एक गलतकार शख्स था, लोगों से दीन के नाम पर रकम हासिल करता, रकम हासिल करता और इसे ना अल्लाह की राह में खर्च करता और ना फकीरों दरवेश यानी गरीबों पर, बल्कि इससे एक बहुत बड़ा खजाना जमा कर लिया था। वो मर गया तो ईसाई इसे दफन करने के लिए इकट्ठे हुए। हजरत सलेमान फारसी रजी अल्लाह तआला ने उसकी उन्हें सब कुछ बता दिया, उसका खजाना भी इन्हें दिखा दिया। उन्होंने कहा, हम इसे दफन ना करेंगे बल्कि इसे सूली चढ़ाकर संसार कर देंगे, यानी सूली चढ़ाकर ऐसी मिसाल कायम करेंगे कि बाद में कोई इस जैसी हरकत ना करे। नेक फारग का मशवरा। इसके बाद वहां एक निहायत परहेजगार पादरी मुकर्रर किया गया जो दिन रात इबादत में मसरूफ रहता। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला एक मुद्दत तक उसकी खिदमत में रहे। जब इसकी मौत का वक्त आ पहुंचा
हजरत हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला ने पूछा कि आप मेरी रहनुमाई करें कि अब मैं किसकी खिदमत में हाजिर हूँ। कुरान करीम में है कि जो लोग हमारे रास्ते की तलाश में निकल पड़ते हैं हम उनको अपनी रहनुमाई अपनी राहों की रहनुमाई कर दिया करते हैं। चनाचे इसराइल ने हजरत सलमान फारसी को मौसल के एक बुजुर्ग का पता दिया। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला ने उनकी खिदमत में पहुँच कर तलीम तरबियत के हसूल और इबादत में मसरूफ हो गया। इनकी इसकी वफात पर और इसके मशवरे के मुताबिक नसीबैन के राहिब के पास और इसके बाद अमूरिया में एक ईसाई बुजुर्ग की खिदमत में रहे, यानी शाम के शहर थे। उनकी उनकी तलाश में जो पादरी की रहनुमाई के मुताबिक उन्हें पता चलता गया, उनके पास वो जाकर इनकी खिदमत में रहने के दौरान हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला ने गायों और बकरियों के रेवर भी पाल लिए थे। इसने वफात से पहले बताया था कि खुदा की कसम अब मेरे दीन में जमीन पर कोई मेरे इल्म में जमीन पर कोई ऐसा शख्स नहीं जो हिदायत पर हो, लेकिन अब वो जमाना आना करीब आने वाला है जिसमें मुल्क अरब में दीन इब्राहिम अलैहिस्सलाम का हामिल एक नबी नमूदार होने वाला है। यानी उस पादरी ने भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आम की तस्दीक की। वो अपने शहर से एक ऐसे आबादी की तरफ हिजरत करके आएगा जिसमें खजूरों के बाग होंगे जो दोलावे की चट्टानों से घिरी हुई होंगी, यानी गुच्छे दर गुच्छे वो बाग या दरख्त होंगे उससे भरे होंगे। इसकी कुछ निशानियां ऐसी हैं जो छुप नहीं सकती। वो तोहफा और हदिया तो कबूल करेगा लेकिन सदका का माल नहीं खाएगा। इसके दोनों कंधों के दरमियान मुहर नबुवत होगी, यानी हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या खासियत थी कि वो तोहफा तो कबूल कर लेते थे लेकिन सदके का माल नहीं लेते थे, और दोनों कंधों के दरमियान मुहर नबुवत जो तस्लीम हो सके तो इस बस्ती की तरफ चले जाना, यसरब की तरफ। आप यहाँ खजूरों के बाग का जिक्र हुआ तो मदीना की बात हुई कि मदीना की तरफ वो आएंगे और उनकी दो निशानियां भी बताएंगे। एक खजूरों एक वो तोहफा और हदिया तो कबूल कर लेगा लेकिन सदका का माल नहीं खाएगा, दूसरा उनके कंधों के दरमियान मोहरे नबुवत होगी। यसरब की तरफ अमूलिया के राही की वफात के बाद कुछ अरसा हजरत सलमान फारसी ने वहीं क्याम किया। अब के कबीला कल के कुछ ताजरों का उधर से गुजर हुआ। हजरत सलमान फारसी ने इनसे कहा कि अगर मुझे अपने साथ मुल्क अरब में ले जाओ तो मैं अपने ये मवेशी तुम्हें दे दूं। वो मान गए, जो यानी जो भेड़ बकरियों के रेवड़ों के पास थे वो उनको देखकर मुल्क अरब जाना चाहते थे। वो उन्होंने उनकी ये शर्त कबूल की और उन्हें वो अपने मवेशी दे दिए। वो उस बात पर राजी हो गए। जब ये लोग वादी अल-करा पहुंचे तो उन्होंने गद्दारी की और हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला को एक यहूदी के हाथ फरोख्त कर दिया, बेच दिया। कुछ दिनों बाद बनू करीसा का एक शख्स जो इस यहूदी का चचा जात भाई भी था हजरत सलमान रजी अल्लाह तआला को खरीद कर अपने साथ यसरब ले गया। यसरब इसलिए मदीना का पुराना नाम। उन्होंने वहां वो बागात वगैरह देखे जिनका जिक्र अमूरिया के राहिब ने किया था। ठीक वही नक्शा, वही लावे की चटाने, इस तरह के खजूरों के बागात। हजरत सलमान रजी अल्लाह तआला ने सोचा ये तो वही मंजर है, इसी की तो मुझे तलाश थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यसरब तशरीफ आवरी। इस दौरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में लोगों को अल्लाह के दीन इस्लाम की तरफ बुला रहे थे, लेकिन अहले मक्का ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहां रहना दुश्वार कर दिया था। यानी इस्लाम की अशात के दौरान जुल्म सुतम जब बढ़ गया तो उनका रहना वहां दुश्वार कर दिया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के साथियों ने वहां से हिजरत करके यसरब पहुंचना शुरू कर दिया, मदीना पहुंचना शुरू कर दिया। और बिलाखिर वो घड़ी आ गई जिसका सलमान रजी अल्लाह तआला को जिंदगी भर इंतजार था। अल्लाह के वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी यसरब तशरीफ ले आए। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला एक खजूर के दरख्त पर थे और मालिक इस दरख्त के नीचे बैठा था। इसका एक रिश्तेदार इसके पास आया और कहने लगा अल्लाह सत्यानाश करे उस औसो हजरत का, ये इस वक्त कुबा में इस आदमी के पास जमा हो रहे हैं जिसका दावा है कि वो नबी है। सलमान रजी अल्लाह ताला कहते हैं ये सुनते ही मैं बेचैन हो गया, मुझे डर हुआ कि मैं कहीं अपने मालिक पर ना गिर पड़ूं। फौरन नीचे आया और इस आदमी से कहा कि आप क्या कह रहे हैं, जरा मुझे भी सुनाइए। मेरे मालिक ने डांट कर कहा तेरा इस बात से क्या ताल्लुक, जा जाके अपना काम कर। बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिरी और कबूल इस्लाम। शाम हुई तो मैंने कुछ खजूरें ली और यसरब की नवाही बस्ती कुबा में इस रसूल के पास पहुंचा
और कहा कि मुझे पता चला है कि एक नेक इंसान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नेक इंसान हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ परदेश से आए हुए कुछ साथी भी हैं जो हाजतमंद हैं, हाजतमंद हैं, जरूरतमंद हैं। मेरे पास ये सदके का कुछ माल है, मैं समझता हूँ कि आप हजरात से ज्यादा इसका कोई हकदार नहीं। यानी क्या है, आप खजूरों का कुछ तोहफा लेकर उनके पास पहुँचते हैं और सदके के तौर पर देना चाहते हैं, आजमाना चाहते हैं कि सदके का नाम लेता हूँ तो लेते हैं या नहीं। इन साहिब ने अपने साथियों से कहा खाओ, लेकिन अपना हाथ उधर ना बढ़ाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों से सहाबा किराम से कहा कि ये खाएं, बल्कि और अपना हाथ उस तरफ ना बढ़ाया, खुद इसने कुछ ना खाया। मैंने दिल में कहा एक निशानी तो सही साबित हुई, फिर मैं वहां से चला आया। जब वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में आ गया तो मैं फिर इसके पास खजूरें लेकर गया और इससे कहा कि मैंने महसूस किया था कि आप सदके की चीज नहीं खाते, तो मैं आपके लिए ये तोहफा के तौर पर लाया हूँ, कबूल फरमाइए। इसने इनमें से खुद भी खाया और अपने साथियों को भी खिलाया। मैंने दिल में कहा ये दूसरी निशानी भी पूरी हुई। फिर एक दिन मैं बकी में इस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, जहाँ वो अपने किसी साथी को दफन करने गए थे। सलाम किया और उस मोहे नबुवत की तलाश में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त के चक्कर काटने लगा, जिसका जिक्र मुझे अमूरिया के राहिब ने किया था। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि मैं इनकी पुश्त की तरफ देख रहा हूँ, तो उन्होंने मेरी गर्ज पहचान ली, मेरे मकसद को पहचान लिया और अपनी पुश्त से चादर हटाई। मैंने गौर से देखा तो मुझे वो मोहे नबुवत नजर आ गई, मुझे मेरी मुराद मिल गई। मैं बेकाबू होकर उनकी तरफ झुक गया, मैं इसे बोसा देता जाता था और ज़ारो कतार रोता जाता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा तुम्हें क्या हो गया है। मैंने अपनी तलाशी हक का सारा माजरा बयान कर दिया और सहाबा को भी सुना दिया। सब सुनकर बेहद खुश हुए। रोशनी के इस मुसाफिर को इसके मालिक के हकीकी ने इसकी तलब में सच्चा पाया, उसने उसे मंजिल तक पहुंचाने का खुद ही एहतमाम फरमा दिया और इसे अंधेरों से निकालकर रोशनी में पहुंचा दिया मंजिल मुराद। साबर रज़ी अल्लाह तआला की फितरत सलीम थी, उन्हें शुरू ही से सच्चाई और हकीकत की तलाश थी, इसके लिए उन्होंने जदोजहद की और बिलाखिर अल्लाह ने इन्हें कामयाबी अता फरमाई। यानी अपने जो मकसद थे उसमें मुश्किलात का सामना किया, अपनी तलाश को जारी रखा, बिलाखिर अल्लाह ताला ने उन्हें कामयाबियां अता फरमाई। इनकी जिंदगी से हमें सबक मिलता है कि इंसान का मकसद नेकी, पाकीज़ा और नस्लुल ऐन बुलंद होना चाहिए, इसके अंदर सच्चाई और हकीकत की तलाश का सच्चा जज्बा होना चाहिए और फिर इसके लिए यकसू होकर इंसान पूरी कोशिश में मसरूफ हो जाए। इसके नतीजे में अल्लाह ताला की रहमत इसकी तरफ खुद मुतवज्जा होती है और इसे कामयाबी से हमकरार कर देती है। मुबारक है ये निस्बुल ऐन, मुबारक है इसकी तलाश का सफर, मुबारक है इस रास्ते की मेहनत और मुशक्कत और इसके लिए जदोजहद, और मुबारक है वो कामयाबी के साथ मंजिल पर पहुंचने वाले। अल्लाह ताला भी हमें ऐसे कामयाब और बामुराद लोगों में शामिल फरमाए, आमीन। क्या है कि कोई भी मकसद है, कोई भी हमें कामयाबी की तरफ जाना है, जितनी भी मुश्किलात का सामना करना है हमें सब्र से करना है। अगर तो हम हिम्मत हार देते हैं तो हमें हमारी मंजिल नहीं मिल सकती। अगर हम अल्लाह पर भरोसा करते हुए अपने पर्पस को हासिल करते हैं, मेहनत और मुशक्कत जदोजहद करते हैं, तो हमें इंशाल्लाह ज़रूर कामयाबी होती है। कोई इसमें कन्फ्यूजन, कोई बच्चों आपको वर्ड की समझ ना आई हो, सबक हज़रत सलेमान फारसी की बुलंदफानी की मैंने कुछ अहम पॉइंट भी इसमें से डिस्कस हुए, अगर किसी कोई क्लियर नहीं हुआ तो आप पूछ सकते हैं। ओके, पेज 85 पर इसके क्वेश्चन आंसर और खाली जगह है, इसकी बुलंदफानी के बाद इसको फिल कीजिएगा। नाज़रल कुरान में आज हमारे पास सूरतुल आदियात है, सूरतुल फज्र, सूरतुल तकासुर के बाद सूरतुल आदियात मक्किया, इसकी बुलंदफानी करती हूँ, नाज़रा में आप लोग ये लर्न कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल आदियाति ज़बहा फलमूरियाति कदहा फलमूग़िराति सुबहा फअसरना बिही नक़अ फवसतना बिही जमअ इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूत वइन्नहु अला ज़ालिका लशरीक वइन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशरीक
افلا يحلم اذا حسر ما في القبور وحسر ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبير। आयात 1-11 है, छोटी सी है, इसको कंप्लीट लर्न कीजिएगा। घर के काम में आपके पास सबक हजरत सलेमान फारसी रजी अल्लाह तआला के मश्की सवालात मुकम्मल प्लस सूरतुल आदियात मुकम्मल याद करनी है। सबक हजरत सलेमान फारसी रजी अल्लाह तआला के मश्की सवालात मुकम्मल प्लस सूरतुल आदियात मुकम्मल याद करनी है जी। आज हमने बाप मंजूम हिदायत के सजेशन में टॉपिक हजरत सलेमान फारसी रजी अल्लाह तआला को डिस्कस किया, जिसके तारुफ में क्या हमने पढ़ा कि हजरत सलेमान फारसी खानदानी एतबार से क्या थे, एक मामूली इंसान ना थे, एक रही इनके वालिद एक इलाके के रईस थे, लेकिन क्या था वो बुत परस्त थे। हजरत सलेमान फारसी रजी अल्लाह तआला को बुत परस्ती पसंद ना थी। क्या हुआ कि वो खुद को इस्लाम इब्ने इस्लाम इब्ने इस्लाम का फर्जन समझते थे। सच्चाई की तलाश में उन्होंने बेहद मुश्किलात का सामना किया, बहुत सी तकलीफ उठाई, अमूरिया के राहिब ने उनकी रहनुमाई की और सच्चे नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियां बताई, जिनकी तलाश में वो यसरफ पहुंचे। यसरफ पहुँच कर उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन निशानियों को पहचानते हुए इस्लाम कबूल किया। बहुत सी मुश्किलात के बाद अपने मकसद में अपनी मंजिल में कामयाबी हासिल की। ओके, कोई और कन्फ्यूजन स्टूडेंट? अल्लाह हाफिज़, हैव अ गुड डे।